अल्लाह के पास फैसले ऐसे होते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है बेटा। मामू, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? अल्लाह की मर्जी बेटा, अल्लाह की मर्जी। मुश्किल से मामू मैं कुछ मही हुई थी थोड़ा जिंदगी में, और फिर ये तूफान आ गया। अच्छा, अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, उन्हीं पे आजमाइशें डालता है। मैं काबिल नहीं हूँ मामू, मैं नहीं हूँ काबिल इसके। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह कभी बंदे की इस्तेआत से ज्यादा उस पर आजमाइश नहीं डालता, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता उसे। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र। कैसे करूंगा सब्र? उनसे नहीं होता सब्र, उनसे नहीं होगा। बस बेटा, अल्लाह देगा, अल्लाह सब्र देगा। और देखो, उसने तुम्हारी झोली में एक नई जिंदगी डाल के तुम पे कितना बड़ा एहसान किया। तुम यकीन मानो, तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। मैं भूल गई थी अपने सारे दुख मामू, मैं सारे गम आखिर भूल गई थी। लेकिन मैं आपसे इतराफ करती हूँ कि सैफ के जाने का दुख मैं नहीं भूल पाऊंगी मामू, उसे नहीं भूला जाएगा। जाहिर है बेटा, तुम्हारा शौहर था, उसको भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो नामुमकिन नहीं मेरा बच्चा। मेरा बहुत ख्याल रखते थे मामू, उनके होते हुए किसी की जरूरत नहीं होती थी मुझे कुछ कहने की। उनकी उनकी क्या क्या अच्छाइयां बताऊं मैं आपको? बस उनसे एक गलती हुई थी कि उन्होंने मुझे अगवा करके मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमेशा तो माफी मांगी ना मुझसे। बेटा, उसको माफ तो कर दिया था ना तुमने? उन्होंने माफी मांगी, एतराफ किया कि उनसे उनसे जुर्म हो गया। हाँ, लेकिन तुमने माफ कर दिया था ना? देर हो गई मामू, मुझसे बहुत बार माफी मांगी, मगर मैं मामू, आप मेरे बड़े हैं लेकिन आप मेरे दोस्त भी हैं ना। मैं हाँ मेरी जान, तुम कहो, तुम अपने दिल का हाल खुल के कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं हारिस को नहीं भूली थी मामू। उस रोज जब उसने मुझे घर से धक्के मार कर निकाला, तो मैंने भी सोचा मैं उसको दिल से निकाल दूंगी, और मैंने निकाल दिया। मैंने सारे ख्यालात अपने दिमाग से खुरच डाले, और फिर जब मेरे दिल में जगह हुई तो, और फिर वहां सैफ बिराजमान हो गए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत की मामू, सिर्फ सिर्फ इसलिए कि मैं प्यार के दो लफ्ज उनको बोल दूं। वालेकुम सलाम। सैफ के कातिलों को कुछ पता चला? घर में रहने वाले खातून का कहां सुराग मिलता है मामा? क्या कह रही हो बेटा, क्या मतलब? मामू आपको पता है ना, फरखंदा आपा मुझसे कभी भी खुश नहीं थी। हाँ, वो जाहिर है। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो सब करेंगे। उन्होंने अपने भाई से कहलवा कर मुझ पर गोली भी चलवाई, लेकिन सैफ आ गया सामने, और सब कुछ हो। और मामू आपको एक बात बताऊं, कल वो आदमी भी मारा गया। अरे मेरे अल्लाह, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बेटा ये तुम्हारे लिए है। ये क्या मामू? मैं कभी तुम्हें कुछ दे नहीं पाया था, तो मैंने ये घर तुम्हारे नाम लिख दिया। मैं ये नहीं ले सकती, ये तो हारिस का नाम है।
जानता हूँ बेटा, लेकिन ये उसी की खुशी, उसकी मर्जी से मैं तुमको दे रहा हूँ। हम लोग तो वैसे भी यूके जा रहे हैं। बस बेटा अपना ख्याल रखना मेरे बच्चा, इस घर का ख्याल रखना। नहीं चाह बच्चा।